Hello friends. Communication concepts and techniques welcome you all. We have got a very important topic to discuss today and that is how to write an effective summary. Of course, writing summary is of multiple uses for each of us. We need summary writing skills in schools also, we need it in. We need it at college level also. We require at various occasions when we are working somewhere because, of course, it saves time. And uh, the bosses of the day uh, are, you know, running short of time every time, so they just need that their subordinates, employees, present information into capsulated or summarized format no one today has got a time to just go through lengthy reports number of pages voluminous report so summary has become the need of the day so today we'll discuss the various technicalities the technical aspects the dimensions of writing producing effective summary uh, here in this session so let us go ahead and see वट ऑल इज देअर इन टू समरी राइटिंग समरी राइटिंग एक बहुत बड़ी कला है और इसका हमको कई बार उपयोग लेना होता है अपने कार्य क्षेत्र में तो आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग राइटिंग अ समरी एक समरी एक अच्छी समरी एक इफेक्टिव uh, समरी कैसे लिखी जाती है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समरी uh, कहते किसको हैं इसका मीनिंग क्या होता है वट इज़ द मीनिंग ऑफ इट वट इज द बैकग्राउंड ऑफ इट विल नो अबिट अबाउट इट एंड देन विल गो टू समरी राइटिंग द वर्ड समरी कम्स फ्रॉम द लेटिन वर्ड सम तो ये जो एक समरी वर्ड है ये लैटिन बैकग्राउंड का है इट हैज़ कम फ्रॉम लेटिन इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लेटिन अब ब्रीफ स्टेटमेंट और अकाउंट ऑफ द मेन पॉइंट ऑफ सम थिंग ऑफकोर्स समरी क्या मीनिंग होता है किसी भी चीज का किसी भी जिस्ट का किसी भी रिपोर्ट का या लेंदी इंफॉर्मेशन का जब उसमें से हम कुछ मेन पॉइंट्स लेकर के उसको रीफ्रेम करते हैं तो हम उसको समरी कहते हैं नॉट इंक्लूडिंग नीडलेस डिटेल्स और फॉर्मेलिटीज इट इज़ ऑलवेज इन ब्रीफ सो इसमें हम जो नीडलेस डिटेल होती है उनको करटेल कर देते हैं उनको कट शॉर्ट कर देते हैं फॉर्मिलिटीज नहीं होती हैं समरी डायरेक्ट टॉक है, summary direct है summary एक समरी एक डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है समरी एक स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन है सो ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज कैरीड फॉरवर्ड इज़ पुट फॉरवर्ड ऑल्सो नोन एज एन एब्सट्रैक्ट प्रेसी एंड सिनापसिस ये भी uh, कुछ uh, तकनीकी मामलों में देर आर समेक्निकल आस्पेक्ट वेयर दीजेंट कॉम्पोनेंट आर डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट इज बिट डिफरेंट प्रेसी इज बिट डिफरेंट सिनापसिस इज बिट डिफरेंट बट अगेन दीज आर द यू नो सिनम्स ऑफ समरी बिकॉज ऑफकोर्स वी आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सेंटेंसेज रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पेजेज एंड वी आर जस्ट रीफ्रेमिंग दर था एंड प्रजेंटिंग इट अगेन सो दैट इज इधर समरी और एब्सट्रेक्ट और प्रेसी और सिनॉप्सिस सो ये चारों चीजों में ही हम चीज़ों को छोटा करके कहते हैं मेन मेन बातें पकड़ के चलते हैं इट इज अ शॉर्ट वर्सन ऑफ अ टेक्स्ट दैट हाईलाइट इट्स की पॉइंट्स सबसे जरूरी बात क्या है कि जब भी हम समरी लिखें वेन वी आर प्लानिंग टू राइट एन इफेक्टिव समरी वी हैव टू की पॉइंट्स इन माइंड ओनली वी हैव टू जस्ट वी हैव टू जस्ट टेक आउट द की पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट की पॉइंट ऑफ द लेंदी रिपोर्ट तो वो मेन मेन बातें हमको पता करने की कोशिश करनी है कि इस इस पाँच पेज की रिपोर्ट में या पंद्रह पेज की रिपोर्ट में वो दस बातें पाँच कौन सी मेन बातें हैं जो जो मेन टॉक्स हैं मेन इशूज़ हैं जिनको हम जिनके बेसिस पे हम समरी लिखेंगे एक बात और जो मैंने ये साइड में हाईलाइट की हुई है द लेंथ ऑफ द समरी शुड नॉट बी मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट और जस्ट फोर्थ पार्ट ऑफ़ द टोटल टेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट आपने देखा होगा कि प्रेसी मैंने बोला था कि वन थर्ड किया जाता है और जबकि समरी uh, में मैं कह रहा हूँ कि वन फोर्थ किया जाता है बिकॉज समरी हम जब समरी लिखते हैं तो ऑफकोर्स दैट इज दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ए लॉन्गर टैक्स्ट हम किसी रिपोर्ट की समरी लिखते हैं हम रिपोर्ट की प्रेसी नहीं लिखते हैं जनरली हम किसी आर्टिकल की प्रेसी लिखते हैं कोई छोटे इंफॉर्मेशन की प्रेसी लिखते हैं लेकिन समरी जब हम वर्ड लिखते हैं ना समरी बड़े बड़े रिपोर्ट्स की डिजर्टेशंस की समरी किसी बुक की भी हो सकती है समरी किसी केस की हो सकती है समरी किसी किसी एक बहुत ही वॉल्यूमिनस वर्क की हो सकती है किसी प्रोजेक्ट की हो सकती है तो समरी हमेशा बहुत ज्यादा वॉल्यूमिनस जो चीज होती है अगर उसको हमको कैप्सुलेट करना है उनको कैप्सुलेटेड करना है उसको उसको छोटे रूप में लिखना है तो हम समरी का यूज करते हैं लेटस गो अहेड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वॉट आर द स्टेप्स फॉर राइटिंग समरी ये दस बातें बिल्कुल दस स्टेप है समरी राइटिंग के एंड यू हैव टू जस्ट पे योर अटमोस्ट अटेंशन वाइल यू आर लिस्निंग टू मी बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेन पॉइंट एंड दैट विल ऑलवेज लीव यू टू बी अ बेटर राइटर इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इफेक्टिव समरीज सो सबसे पहली बात देखेंगे हम रीड द टेक्सट फॉर इट्स मेन पॉइंट तो आपको टेक्स्ट बहुत ही ध्यान से पढ़ना है यू हैव टू पे योर अटमोस्ट अटेंशन वाइल गोइंग थ्रू द टेक्स सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड यू कैन find out uh, what are the main points of this entire talk okay suppose if you are reading five pages and you have to write a summary so you have to identify the five most important talks into these five pages so this you know most important five talks are spread over five pages you have to go through five pages very carefully in order to find out those most important five things out of it सेकेंड स्टेप में जब हम आएंगे तो हम देखते हैं री रीड केयरफुली एंड मेक अ डिस्क्रिप्टिव आउटलाइन पहली बार हमने एक पढ़ा तो हमें थीम पता पड़ा उसका कि ये किस बारे में लिखा गया है इसमें कौन कौन सी चीजें ज्यादा हाईलाइट की गई हैं ज्यादा रिफ्लेक्ट की गई हैं कौन कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है जब हम इसको दोबारा पढ़ेंगे सो मेक अ डिस्क्रिप्टिव आउटलाइन तो हम इसका थोड़ा सा आउटलाइन बनाएंगे इसमें से मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें हम किसी दूसरे रफ पेज पे लिखेंगे या इसको अंडरलाइन करते जाएंगे या साइड लाइन करते जाएंगे सो so, उससे क्या है वो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी वो चीज़ें एमर्ज आउट होती जाएंगी कि वॉट आर दोज मेन पॉइंट्स ऑन ऑन विच वी कैन आई कैन राइट आई नो वेरी प्रोडक्टिव समरी आउट ऑफ इट थर्ड स्टेप में जब हम बन जाते हैं तो राइट आउट द टेक्स्ट मेन पॉइंट्स अब हमको टेक्स्ट के मेन पॉइंट्स पता पड़ गए हैं हमें टेक्स्ट का थीम पता पड़ गया है पूरा टोटल रन ऑफ द टॉक पता पड़ गया है और हमें इसके मेन पॉइंट्स भी पता पड़ गए हैं जब हमने मेन मेन बातें हमें पता पड़ गई देन वील जस्ट गो टू द स्टेप फोर और स्टेप फोर में आइडेंटिफाई द टेक्स्ट मेजर डिविजन्स और चंक्स तो अब जो टेक्स्ट है हमारे पास उसके मेजर डिविजन और चंक्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फाइव पेज की कोई रिपोर्ट है उसकी समरी लिख रहे हैं तो उस फाइव पेजेस में आप मान लीजिए कम से कम बीस पच्चीस ट्वेंटी ट्वेंटी आर सपोज टू बी देयर सो दो पैराग्राफ्स ऑफकोर्स एवरी पैराग्राफ हैज गॉट अ सिंगल आइडिया एंड दैट इज वर्किंग एज अ वन यूनिट ऑफ द एंटायर एंटायर थीम तो ये 25 जो मेन टॉक्स हैं इनमें से सबसे प्रोमिनेंट पांच बातें हमको निकालनी है तो हम क्या करेंगे इनमें से जो इनके डिविजन्स हैं और चंक्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते जाएंगे कि ये पैराग्राफ किस बारे में है ये वाला पैराग्राफ किस बारे में है ये वाला पैराग्राफ किस बारे में हम जितना उसको शॉर्टन करते जाएंगे जितना उसको आइडेंटिफाई करते जाएंगे जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे हमें उतना ही पता पड़ता जाएगा कि क्या क्या चीज़ इसमें छोड़ी जा सकती है और क्या क्या चीज़ें ले हमें ले करके आगे समरी फॉर्मेट में जाना है समरी फॉर्म में जाना है फाइव फिफ्थ स्टेप की बात करेंगे तो इसमें लिखा है कि ईच डिवीजन कॉन्ट्रीब्यूट द होल मेन पॉइंट ऑफ कोर्स अगर कोई हमें पांच मेन बातें हैं तो हमें वो पांच या टेन पैराग्राफ्स uh, हमें आइडेंटिफाई करने हैं जिसमें यह पांच बातें छिपी हुई हैं जिसमें ये पांच बातें हिडन है दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक ऑफ दिस विच आर गोइंग टू जस्ट बी द बैकबोन ऑफ दिस एंटायर समरी नाउ लेट एस गो टू दिक्कत स्टेप ट्राई समेराइजिंग ईच ट इन वन और टू सेंटेंस ऑफकोर्स वी अंडरस्टैंडी देजेस डॉक्यूमेंट वी हैव आइडेंटिफाइड फाइव टेन पैराग्राफ्स एंड इन फाइव टेन पैराग्राफ्स को हम क्या करेंगे हर पैराग्राफ के ऊपर दो दो लाइन लिखते जाएंगे दैट वुड बी द जस्ट दैट वुड बी द समरी ऑफ वन पर्टिकुलर पैराग्राफ दैट वुड बी द एसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ तो हम ऐसे करके हमारे पास अब 10-15 लाइन का हमारे पास टेक्स्ट आ गया हमने हर पैराग्राफ के ऊपर दो दो तीन तीन, तीन लाइन की एक उसकी समरी लिख दी है उसका एक कैप्सुलेटेड फॉर्म लिख दिया है उसकी जिस्ट लिख दिया है कि इसमें ये क्या बात है नाउ इन सेवेंथ नाउ कंबाइन ऑल दीज स्मॉल समरीज अब हमारे पास हर पैराग्राफ की लो टेन पैराग्राफ्स हमने आइडेंटिफाई किए थे जो इंपॉर्टेंट थे उसमें से हमने दो दो तीन तीन लाइन हर पैराग्राफ के ऊपर समराइज किया है अब इस तरह की जब सारे जो हमने छोटे छोटे समरी लिखे थे दो दो तीन तीन लाइन के उनको हम एक साथ लेकर के आएंगे सो विल कंबाइन ऑल दीज स्मॉल समरीज और जिस्ट ऑफ ईच पैराग्राफ सो दैट वी कुड गेट द समरी ऑफ ईच पार्ट मेक द फ्लो ऑफ थॉट ऑफकोर्स ये समरीज हम दो दो तीन तीन लाइन लिखेंगे ये आपस में कनेक्ट नहीं होंगी बिकॉज दैट वोन्ट बी गेटिंग फ्लो ऑफ थॉट सो इन ऑर्डर टू रन द फ्लो ऑफ थॉट इन ऑर्डर टू रन द स्मूथनेस ऑफ द टेक्स्ट वॉट वील डू वील पुट सम कंजंक्शन हम कुछ उसमें वर्ड्स जोड़ेंगे कुछ उसमें ऐसे वर्ड्स लगाएंगे जिससे कि प्रॉपर रन बने पूरे टेक्स्ट का जिससे वो आपस में कनेक्ट हो जाए बिकॉज वी हैव क्लिप्ड टू थ्री लाइन्स वी हैव जस्ट यू नो टेकन द जिस्ट आउट ऑफ इट एंड पुटिंग ऑल द जिस्ट ऑन अ पेज पुटिंग ऑल दीज एक्स ऑन द पेज विल नॉट कनेक्ट दम टूगेदर वेल सो ऑफकोर्स वी नीड सम कंजंक्शंस टू पुट इन ऑर्डर टू मेक द एंटायर टेक्स्ट रनिंग वेरी स्मूथली एंड ऑफकोर्स क्वालिफाइंग फॉर मेंटेनिंग और यू नो गिविंग अ कोहेरेंस इन टू द एंटायर टॉक एंटायर थीम ऑफ द समरी दैट वी आर टू क्रिएट नंबर एट पे मेक अ फ्लो ऑफ थॉट ए क्रॉस पार्ट बाई कंजंक्शन एंड नाइन्थ में युर समरी इज ऑलमोस्ट रेडी ऑफकोर्स थम्स अप दैट यू हैव रेडी इट दैट यू हैव रिटर्न इट यू हैव गॉट ऑर्गेनाइज समरी इन योर हैंड्स नाउ यू हैव टू प्रूफ रीड इट कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही फ्लो ऑफ थॉट में यू हैव टू एडिट इट अगर कुछ आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक लग रही है कहीं कंजंक्शन सही नहीं लगा है कहीं फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है या एक पूरी समरी की थीम नहीं आ रही है तो आपको उसको पढ़ के थोड़ा सा फील करना पड़ेगा कि एम आई एम आई गिविंग द कंप्लीट थॉट इन टू द समरी एंड इज इट क्वालिफाइंग टू बी अ इफेक्टिव समरी एंड वेन यू हैव गॉट यू नो समॉर्ट ऑफ इको फ्रॉम इनसाइड येस दिस इज द गुड थिंग दैट आई हैव रिटन आई हैव कवर्ड ऑप एवरी आस्पेक्ट नाउ देर इज नो मिस्टेक नो एरर्स नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ऑल सो यू कैन जस्ट रीड इट एट द फाइनल टाइम एंड मेक इफ स्मॉल रिविजन आर लेफ्ट एंड देन you can submit this summary so this summary is uh, you know ready and of course very effective we have taken care of all the steps described over here so these are the 10 very important steps that you have to mug it up you have to learn it by heart and uh, that will always help you out in order to create wonderful summaries across next we will just uh, discuss a bit uh, the features of summary what are the prominent features of summary स्टार्ट योर समरी विद द क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप जब हम किसी भी चीज़ की समरी लिखें तो हमको इंट्रोडक्शन उसकी थोड़ी सी डिटेल देनी चाहिए डिटेल में जैसे ये वर्क किससे रिलेटेड है इसमें क्या टाइटल हो सकता है समरी का टाइटल क्या होगा ऑथर क्या होगा हु इज़ द ऑथर ऑफ इट हु इज़ द कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ इट वॉट आर द मेन पॉइंट इन द प्रजेंटेंस सो री मैच ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू मेक श्योर यू हैव कवर्ड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक बार और चेक करेंगे हम फीचर्स में कि सारे पॉइंट्स कवर हो गए कि नहीं नेवर पुट एनी ऑफ योर ओन आइडियाज हमें अपनी खुद की बात नहीं कहनी मैंने पहले ही बताया दीज आर ऑल टेक्निकल राइटिंग्स सो यू आर नेवर अलाउड यू आर अलाउड टू जस्ट स्पीक अप योर ओन स्टोरी यू राइट योर फिक्शन यू राइट योर पोएम नो बडी इज गोइंग टू यू नो डिनाई डूइंग ऑल दैट बट वन यू आर राइटिंग द टेक्निकल यू आर गोइंग फॉर टेक्निकल राइटिंग यू आर नॉट अलाउड टू पुट योर ओन ओपिनियन इन टू दैट

Which will always uh, help you out in order to create you know wonderful summaries uh, from internet resources. Few of them I have given just for you know identification of such kind of phrases, which may help you out every time. So they are as the article claims, the author suggests, as the article informs, or as the author accepts, or the author is of the opinion that so these all phrases are you know just you know uh, help you out in order to uh, give out some uh, summarized form of your thought that you want to just uh, you have collected from the original text and you, when you are converting it into the summary form these all all you know phrases always help you out in order to convert successfully into the uh, summarized form इसके बाद हमें एक छोटा सा ये मॉडल है इस मॉडल को हम ध्यान से देखेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे सो दैट इट स्टेज लॉन्गर इन अवर माइंड वेन एवर वी आर आस्ट टू क्रिएट समरी ऑफकोर्स दिस दिस पिक्चर विल ऑलवेज हेल्प अस आउट सो ये फ्लो चार्ट हम देखेंगे कि स्टेप्स ऑफ राइटिंग समरी क्या हो सकता है पहला हमें इंट्रोडक्शन लिखना है इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही बताया है टेक्निकल डिटेल्स एवरी टेक्निकल डिटेल विल कम आउट ओवर हियर नेम ऑफ द बुक नेम ऑफ द रिपोर्ट

या ये रिपोर्ट क्यों बनाई गई है ये सर्वे क्यों कंडक्ट किया गया है तो so, इस तरह की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन हम देंगे दैन वील टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ इट एंटायर प्रोसेस विल स्पीक अप वॉट हैज बीन अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट देन कमिंग टू द रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स एंड इन द लास्ट समरी में आप कुछ अपनी रिकमेंडेशंस भी डाल सकते हैं ऑफकोर्स विच विच प्रूव टू बी गुड एंड यू नो इट लीस्ट टू अथेंटिक स्टडी इफ यू आर एडिंग अप थ्री और फोर रिकमेंडेशन फ्रॉम योर साइड देन अगर इसको हम देखें तो इसका इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड दीज बोथ कंबाइन एंड मेक इंट्रोडक्शन मेक्स बिगनिंग एंड बैकग्राउंड एंड प्रोसेस दे आर कंबाइंड एंड दे मेक द मिडिल पार्ट ऑफ योर समरी एंड रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस दीज थ्री दिस दिस ट्रायओ मेक योर एंड पार्ट ऑफ अ समरी तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमें बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन देना है इसमें सारी टेक्निकल डिटेल होनी चाहिए मिडिल में बैकग्राउंड एंड प्रोसेस की बात हम करेंगे एंड में हम रिजल्ट कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन इससे हम इसका एंड लिखते हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ समरी एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग समरी यू विल ऑलवेज रिमेंबर दोज इंपॉर्टेंट टेन स्टेप्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ओवर हियर एंड ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई टू राइट समरी एट योर ओन सो दैट यू अंडरस्टैंड यू एक्सप्लोर इट मोर एंड यू अंडरस्टैंड इट बेटर एंड यू गेट बेटर एवरी टाइम वैन यू ट्राई टू राइट योर सेल्फ So, with this, you know, I end up my talk over here. Thank you very much for patient listening. And of course, if you have liked this, you are requested to please uh, subscribe the channel in order to make it, in order to empower it, uh, in order to have the continuous supply of such useful videos for all of you. Thank you very much.